साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पढ़ेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण जिसका दूसरा नाम होता है अनुपूरक। क्या होता है? अनुपूरक, या इसको अपन कह सकते हैं कोटिपूरक। क्या कह सकते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो कोणों, दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो वो कोण आपस में पूरक कोण होते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो वो आपस में पूरक कोण होते हैं। जैसे अपन इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये कोण दे रखा है, यहाँ पे कोण दे रखे हैं। अगर ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, तो इसका पूर्व कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट होता है संपूरक कोण। क्या हो जाएगा? संपूरक कोण, जिसे अपन कह सकते हैं परिपूरक कोण। क्या कह सकते हैं? परिपूरक कोण। जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो तो वो कोण परस्पर संपूरक कोण, संपूरक कोण होते संपूरक कोण होते हैं। जैसे जैसे ये कोण दे रखा है, यहाँ पे ये कोण अगर आपको दे रखा है 130 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण ये कोण हो जाएगा 50 डिग्री। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। पूरक कोण हो जाता है कि जब दो कोणों का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो आपस में वो क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। जब दो कोणों का मान 180 डिग्री और आपस में क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। इसको अपन आगे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसके विभिन्न एग्जांपल होते हैं, वो मैं आपको समझा दूँ। आगे ये आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं कि यदि 2x+1 तथा x+2 परस्पर पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जैसे कोई आकृति है, यहाँ पे आकृति है, ये वाला कोण दे रखा है 2x+1 और ये वाला कोण दे रखा है x+2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, 2x+1 + x+2 किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। x x चीज की भी जोड़ दो, 2x और 1x कितने हो गए 3x, प्लस 1 और 2 कितने हो गए 3, बराबर 90। अब क्या करेंगे? अपन करेंगे पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, 3x, अब ये 3 उधर भेजेंगे तो 90 प्लस है, तो उधर जाके क्या बदल जाएगा? माइनस में। तो 3x बराबर 90 में से 3 गए तो 87। अब ये गुणा में है तो उधर भाग में भेजेंगे, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? भाग में, 87 बटा 3। 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 29 * 87 यानी 29 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 29 डिग्री। ये तो एक्स का मान है। अगर अपने को कोण निकालने होते हैं तो क्या करते? दो, एक्स का मान कितना आया 29 * 29 + 1, जिसको सॉल्व करेंगे 29 * 58, 58 में 1 जोड़ा तो 1 का मान आ गया 59 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 59 डिग्री। दूसरा दे रखा है x+2, यानी एक्स का मान कितना आया था 29 + 2 = 31 डिग्री। पहले का मान आ गया 59 डिग्री, दूसरे का मान आ गया 31 डिग्री। ये पहला सवाल है। फिर दूसरा कह रहा है कि दो संपूर्ण कोणों का अनुपात 11:9, तो प्रत्येक संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अनुपात में दे रखा है तो इसको बात साधारण में बदलेंगे, 11x + 9x किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर।
11x और 9x को जोड़े तो कितने बनेंगे 12x, सॉरी 20x बराबर 180। गुणा है तो पक्षांतर कहीं तो उधर जाएगा, इसमें बदल जाएगा भाग में 180 बटा 20। जीरो से जीरो कट गया, दो से कट गया 9 बार, यानी x का मान कितना आया 9 आया, x का मान 9 आया। तो यह अनुपात कितना दे रखा है 11 11 × 9। तो इसका पहले का कोण का संपूर्ण कोण का मान कितना आ गया 99 डिग्री। दूसरा दे रखा है 9 9 × 9, यानी दूसरे का आ गया 81 डिग्री। तो पहले का कितना आ गया 99, दूसरे का आ गया 81, ये इसका हो गया आंसर। ऐसे ही क्लास लेके अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।